सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने गेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म अभी हाल ही में कैसे भरा। एज यू ऑल नो, गेट्स 2024 होने वाला है। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसे भी, लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ गेट्स का, मतलब 13th of September को हाल ही में अभी लास्ट डेट थी, और 12th of September को रात के 12 बजे के बाद, मतलब 13th लग चुका था। तो तब मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था और सब कुछ ईजी भी हो गया था। ओके, सो बहुत ही ईजी माना जाए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। तो थर्ड ईयर वाले भी फ्रेंड्स बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कोरोना चीज़ वाले कि मतलब थर्ड ईयर वाले मतलब गेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फोर्थ ईयर में मतलब लोग अच्छे से प्रिपरेशन के साथ भरते हैं, जब उनका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है स्टडी वगैरह। एंड इवन हम लोग थर्ड ईयर में मतलब ट्राई कर सकते हैं, ताकि मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो सके कि मतलब एग्जाम कैसा होता है गेट्स का। ओके, सो इसलिए मतलब मैंने सही समझा थर्ड ईयर में भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सो यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपसे आप में से थर्ड ईयर में है या फिर मतलब सेकंड ईयर में है, तो उसको मतलब एक टाइप से आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आना और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। एक टाइप से आपको पहली एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ओके, बाकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में मतलब अभी मेरी सही नहीं है, क्योंकि अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर के 5th semester में। ओके, तो अभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो 6th, 7th, 8th semester में आएंगे। एंड तो यार, अभी मतलब जो भी सेमेस्टर जा चुके हैं उनके, जैसे मटेरियल साइंस हो गया, ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, और इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो इसे मतलब कोर सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के माने जाते हैं। सो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब सब्जेक्ट्स से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। ओके, एंड मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स 1, 2, 3। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। ओके, बाकी यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड ईयर वाले को मतलब यार पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनको एक टाइप से मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि फोर्थ ईयर में प्रिपरेशन के साथ, मतलब बहुत से बच्चे कहते हैं कि थर्ड ईयर में करो, फोर्थ ईयर में करो पूरी प्रिपरेशन के साथ। या आई एग्री विद यू। ओके, बट यार थर्ड ईयर में अगर आप भरोगे तो मतलब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे मतलब पेपर आता है, मतलब आपके माइंड में थोड़ा सा ये बैठ जाएगा कि किस तरीके से मतलब पेपर पैटर्न है और मतलब कैसे कैसे आगे भी आपको तैयारी करनी है इस एग्जाम की। ओके, एंड फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग का आई आई टी कानपुर गेट्स 2024 को कंडक्ट करा रहा है। बाकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसकी, तो यार मेरी मतलब जैसे मैंने लास्ट में दिया, क्या पता जैसे मैंने मतलब लास्ट में दिया तो उसकी मतलब मैं 1800 फीस ले गई। एंड एक बहुत ही जरूरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि पता है गेट्स में आप दो एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो, मतलब टू पेपर पैटर्न मतलब गेट्स ने रिलीज कर दिया। उसके बारे में आप लोग को समझाता हूँ। इसमें क्या है ना कि आप मतलब अपनी ब्रांच का जो मतलब मेन कोर पेपर है आपका, उसके लिए बैठ सकते हो। बाकी आपको जो मतलब सब ब्रांच है उसके पेपर्स के लिए मतलब आप बैठ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल ब्रांच है, इसका एग्जामिनेशन होगा गेट्स का। ओके, इसमें आप बैठ सकते हो। एंड इसकी जो मैकेनिकल की सब ब्रांचेस क्या है, एरोस्पेस हो गई, ओके, इंजीनियरिंग साइंसेज हो गई। तो मैंने इंजीनियरिंग साइंस का मतलब भर दिया है, एक इसका एक्ससी कोड होता है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी आपका, एंड ये आपका इंजीनियरिंग साइंस होगी, और बाकी मतलब 3-4 सब ब्रांचेस और भी थी। सो मतलब कुछ ऐसा ही पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है इस बार। सो बहुत ही मतलब ये सही है, इस एग्जाम के थ्रू मतलब आपका अच्छे मार्क्स नहीं है तो इसमें अच्छे मार्क्स अगर होंगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको रहने वाला है। ओके, फ्यूचर में IITs मिल सकते हैं, PSUs मिल सकते हैं। ओके, सो ये कुछ टू एग्जाम पैटर्न गेट्स ने रिलीज कर दिया है। एंड इसमें क्या है मतलब कि जैसे आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो मतलब मैकेनिकल का सब ब्रांच भर सकते हो, सिविल ब्रांच है सिविल की सब ब्रांच भर सकते हो, कोई कुछ ऐसा है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो मतलब सब में कॉमन होती है। एंड ये नहीं है कि मतलब जैसे आप मैकेनिकल से हो तो आप कोई कंप्यूटर साइंस या IT की फील्ड में उसकी सब ब्रांच भर दो, ऐसा नहीं है। ओके, इसे बहुत ही मतलब थोड़ा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और CS की फील्ड में हो या फिर IT की फील्ड में हो एंड आप मैकेनिकल की सब ब्रांच भर दो, ऐसा नहीं होता है। ओके, मतलब जिस भी आप मैकेनिक मतलब जिस भी ब्रांच में आप हो उसकी सब ब्रांच ही मतलब आपको भरनी होती है टू एग्जाम पैटर्न में। ओके, स्वागत थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। सुरक्षा सबसे बाय बाय एंड टेक केयर।